श्रॉफ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपडेट मीडिया 24x7 न्यूज चैनल में। अपडेट मीडिया 24x7 न्यूज चैनल के समस्त परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 वह दिन था जब भारत पूर्ण गणतंत्र बना। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर यह पर्व मनाया जाता है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। ये वो दिन था जब से हम कहने लगे कि हम भारतवासियों का अपना संविधान और कानून है और हमें ब्रिटिश राज से पूरी तरह आजादी मिल गई है। दे सलामी इस तिरंगा को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है। एक बार फिर से आप सभी को अपडेट मीडिया 24x7 न्यूज चैनल के समस्त परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही ग्राम माघी ब्लॉक बलहा जनपद बहराइच प्रधान अच्छुन खां और प्रतिनिधि वारिस खां की ओर से समस्त गाँव वासियों, नगर वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। आप सभी अपनों से यही गुजारिश है मेरी, कोरोना को हराने के लिए मास्क है जरूरी। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। कोरोना की महामारी से हमें लड़ना है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के अनेकों प्रकार के नए नए लक्षण अब सामने आए हैं, जैसे कि बुखार का होना, सर दर्द, नाक बहना, छींक आना, खांसी आना, गले में दर्द होना, बोलने में परेशानी होना, बॉडी से गंध आना, मांसपेशियों में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सीने और पेट में दर्द होना, सर दर्द में थकावट होना, बलगम आना, इन सबका हमें सामना करना है। हमें स्वस्थ रहना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, मास्क का प्रयोग करना है। हमें इस महामारी से फिर से लड़ना है। जैसे हमने पूर्व में इस महामारी का डटकर सामना किया है, वैसे ही हमें अभी भी इस महामारी का डटकर सामना करना है। उनसे डरकर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डटकर चलिए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए। संयम और सावधानी को याद रखेंगे तो देंगे कोरोना को मात। सुरक्षित रहें, सजग रहें, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।